शख्स का नाम बाबा साहिब अंबेडकर है। बाबा साहिब ने भारत के संविधान को बनाया और संविधान तो बाबा साहिब ने बना दिया, मगर बाबा साहिब ने दलितों को, वंचित समाज को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को यह पैगाम दिया कि संविधान तो हमने बना दिया, वोट डालने का अख्तियार भी तुमको दे दिया गया है, मगर अगर तुमको संविधान में जो प्रियम्बल में कहा गया कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, भाईचारगी, इंसाफ, आजादी, अगर तुमको ये हासिल करना है तो आपको एक सियासी कुव्वत बनना पड़ेगा, आपको अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तो जो लोग बाबा साहिब अंबेडकर को सलाम करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि वो बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाब को अगर पूरा करना चाहते हैं कि इस वतन अजीज में, भारत में, इस देश में अगर हम ये चाहते हैं कि भाईचारगी कायम हो, अगर हम ये चाहते हैं कि कमजोरों से इंसाफ हो, अगर हम ये चाहते हैं कि जुल्म और ज्यादती से हमको आजादी मिले, तो मैं उन तमाम अंबेडकर वाली लोगों से अपील कर रहा हूं कि गुजरात के आने वाले विधानसभा में आप एक मर्तबा मजलिस का साथ दीजिए, ताकि कमजोर जब मिलेंगे तो जुल्म का खात्मा होगा, जब कमजोर मिलेंगे तो जालिम परेशान हो जाएगा, जब कमजोरों की ताकत में इजाफा होगा तो वो मजलूमों की ताकत में इजाफा होगा, और जब कमजोर ताकतवर होकर गुजरात की विधानसभा में उसके इत्तेहाद और वोट की ताकत के बुनियाद पर जब उसका नुमाइंदा, उसका एमएलए कामयाब होकर जाएगा, तभी जाकर गुजरात की विधानसभा में गोमतीपुर के आवाम के तकालीफ, मसाइल, उनके प्रॉब्लम्स का होगा। वरना याद रखो, मैं गोमतीपुर की जनता से अपील करने आया हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो आपको यकीनन यहां से एक दलित तो कामयाब हो जाएगा, मगर वो दलित जब कामयाब होकर गुजरात की विधानसभा में जाकर बैठता है तो उसको इस बात की इजाजत नहीं मिलती अपनी पार्टी से कि वो अपने ही समाज के बारे में, अपने ही विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में बात कर सके। इसीलिए जब किसी एक जर्नलिस्ट ने बाबा साहिब अंबेडकर से पूछा कि बाबा साहिब, भारत की पार्लियामेंट में दलितों के लिए पार्लियामेंट की सीट रिजर्व है तो आप क्यों दलित लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहिब ने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि भारत की पार्लियामेंट में इतने नंबर सीट पार्लियामेंट में दलितों के लिए रिजर्व कर दी गई है, मगर जब वो दलित जीत कर भारत की पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो अपना मुंह कब खोलते हैं, बाबा साहिब ने सवाल किया। और बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि वो मुंह अपना उस वक्त खोलते हैं जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गोमतीपुर से अगर आप इंशाल्लाह मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट मजलिस के कैंडिडेट के हक में इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो मजलिस का कैंडिडेट आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत और जुस्तजू और आपकी वोट से कामयाब होकर जब गुजरात की विधानसभा में जाएगा गोमतीपुर से इंशाल्लाह, तो मैं आपको वादा कर रहा हूं कि गुजरात की विधानसभा के दरो दीवार गोमतीपुर की जनता की आवाज से गूंजेंगे। जब वो गुजरात की विधानसभा में जाएगा तो खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि वो पुकारेगा इंसाफ के लिए, ना सिर्फ गोमतीपुर के डेवलपमेंट के लिए, ना सिर्फ गोमतीपुर के विधानसभा में बसने वाले दलितों के लिए, ना सिर्फ गोमतीपुर में बसने वाले कयूर मुसलमानों के लिए,
बल्कि गुजरात के अगर किसी कोने में अगर कोई दलित अपनी शादी की बारात घोड़े पर बैठ कर निकालना चाहेगा तो मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मजलिस का एमएलए उस दूल्हे की घोड़े के सामने खड़े होकर कहेगा कि निकाल अपनी शादी की बारात, देखते हैं कौन भाईकाल लाल तेरी शादी की बारात को रोक सकेगा। ये मिजाज मजलिस आपको देना चाहती है। अब डर डर कर जिंदा नहीं रहेंगे, अब डर डर कर जिंदा नहीं रहेंगे, अब घुट घुट कर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे, अपने आंखों में आंसू लाकर मायूसी को अपनाएंगे नहीं, बल्कि भारत हमारा वतन है और रहेगा। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया और वो संविधान ये कहता है कि दलित भी बराबर है, ब्राह्मण भी बराबर है, ठाकुर पटेल भी बराबर है, तो मुसलमान भी बराबर है, कोई मुझसे बड़ा नहीं, कोई मुझसे छोटा नहीं। ये लड़ाई में कामयाबी अगर हासिल करना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे मयूर नौजवान साथियों, तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप मुत्तहदा तौर पर गोमतीपुर में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप मजलिस के कैंडिडेट के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, सिर्फ वोट देना कामयाबी नहीं है, आप बरसों से सिर्फ वोट दे रहे, आपने कभी वोट हासिल नहीं किया है। आज मजलिस आपके दरमियान में आकर कह रही है कि तुमने हमेशा वोट दिया है, आज तुमको वोट लेना है अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के इंसाफ के लिए, गोमतीपुर विधानसभा की डेवलपमेंट के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गोमतीपुर की विधानसभा में आप जानते हैं कि यहां पर सिद्धि बशीर की एक मस्जिद भी है, और उसके एक मीनार के पास अगर खड़े होकर कोई एक मीनार के कमान को हिलाएगा तो दूसरे मीनार हिलते हैं ना, आवाज भी आती है। तो ये जो मस्जिद है, ये जो सिद्धि बशीर की मस्जिद है, इसको अगर आप, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ये सिद्धि बशीर की मस्जिद की मिसाल गुजरात के मुसलमानों के ताल्लुक से कह रहा हूं कि कोई आकर हमारे घर की एक कमान को हिलाता है तो हमारे पूरे घर हिल जाते हैं। मगर ये सिद्धि बशीर की मस्जिद इस बात की गवाह है कि जलजले आए तब भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा, हाँ जब जालिम जुल्म करने के लिए आता है, इख्तदार के नशे में चूर हो जाता है और कहता है कि मैं जो चाहे जुल्म करूंगा, मैं जिसको चाहे उसकी गर्दन को काट दूंगा, मैं जिसको चाहे उस महिला का बलात्कार करूंगा, मगर गुजरात के मुसलमान इन तमाम जुल्म को बर्दाश्त किए और ये सिद्धि बशीर की मस्जिद इस बात की मिसाल पेश करती है कि जालिम ने जुल्म किया, हमारे घरों को हिलाया, मगर हमारे घर हिले, मगर हमारे घर कभी निस्तो नाबूद नहीं हुए। जालिम ने आकर हमारे घरों को हिलाया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी जबानों से कलमे का खात्मा कर सके। जालिम ने हमारे घर को हिलाया, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि हमारे दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मिटा सके। जालिम ने हमारे घरों को मिटाने की, हिलाने की कोशिश की, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए। जालिम ने हमारे घरों को हिलाया, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि तौहीद के पैगाम को हमारी नस्लों से निकाल सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी मिसाल सिद्धि बशीर की मस्जिद की तरह है। तुम सलामत थे और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक सलामत रहोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि गोमतीपुर में इस विधानसभा में स्कूल की जरूरत है, अच्छे स्कूलों की जरूरत है, अच्छे अस्पताल की जरूरत है, मगर यहां से आपने कांग्रेस पार्टी के विधायक को कामयाब किया, कामयाब तो कर दिया,
मगर गोमतीपुर की जनता का क्या फायदा हुआ? आपने भाजपा को हराया जरूर, मगर आपको क्या फायदा मिला? अगर आप आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजलिस को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम ना सिर्फ भाजपा को हराएंगे बल्कि हम आपको बता देंगे कि गुजरात की विधानसभा में जाकर वो ऐसी आवाज बुलंद करेगा इंसाफ के लिए जो ना सिर्फ गोमतीपुर की जनता की इंसाफ की आवाज होगी बल्कि उसकी आवाज पूरे गुजरात में गूंजेगी कि अब जुल्म नहीं हो सकेगा, अब कोई ताकत के नशे में चूर होकर कमजोरों को कीड़े मकड़ों की तरह नहीं कुचल सकेगा, अब हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भारत में अपने हक को हासिल करेंगे, जो संविधान बाबा साहिब ने बनाया उसके मुताबिक सबको इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपकी इज्जत हमारी इज्जत रहेगी, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ होगी, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस के हक में अपनी ताहिद करिए और याद रखिए ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है, कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और उसमें से जो कोई निकलता है भाजपा में जाता है, जो कोई कांग्रेस के गोदाम से निकलता है वो कांग्रेस पार्टी में जाता है। अब हम गुजरात में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जब कभी भी मीडिया हमसे बात करती, मीडिया हमसे पूछती है कि कांग्रेस ने ये कहा है कि ओएसी आने से वो डिवाइड होंगे और भाजपा को फायदा होगा, हम उनसे पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, आपके 17 विधायक जिसको गुजरात की जनता ने वोट देकर विधायक बनाया, वो तमाम के तमाम जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर अभी भी चाय पी रहे हैं, अभी भी चाय पी रहे हैं, अमित शाह उनको गुलाब जामुन खिला रहे हैं और हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी से आए तो ऐसा होगा। अरे तुम्हारे विधायक अमित शाह और मोदी से मिले हुए हैं, जब हमारा विधायक कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला तो एक टेबल पर मोदी के सामने बैठकर आंख में आंख डालकर कहेगा कि भारत के संविधान के तहत इंसाफ होना चाहिए और हम भागने वाले नहीं है, हम पीठ दिखाने वाले नहीं है, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इज्जत इज्जत नफ्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए मेरी आपसे अदबन अपील है, आपसे गुजारिश है कि इस मर्तबा आप तमाम लोग एक होकर पूरा वंचित समाज, पूरे कमजोर लोग एक साथ होकर गोमतीपुर से मजलिस के विधायक को कामयाब करिए। बहुत सी पार्टी आएंगी, कोई ये वादे करेगा कोई और वादे करेगा, बहरहाल वादे करना उनका काम है और चुनाव के बाद आप जानते हैं कि कोई आपको नजर नहीं आता, चुनाव से पहले तो वादे करेंगे आसमान से तारे तोड़कर ला दूंगा, आप कहेंगे कि भैया गोमतीपुर में साफ पानी नहीं आता तो कोई पार्टी का बोलेगा माता जी तुम पानी की बात कर रहे, मैं चांद से मट्टी लाकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, मगर जब चुनाव हो जाता है कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इस बार आपको सोच समझ कर अपने सियासी फैसले करने की जरूरत है। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 19,370 प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने के लिए उनको सील कर दिया, उनको बंद कर दिया। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ये कौन सा इंसाफ है कि 19,370 प्रॉपर्टीज को जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया आपने उनको बंद कर दिया, क्या ये जुल्म नहीं है? बताइए, आज अगर गुजरात और देश में गरीब परेशान है
नौजवान बेरोजगार है, कीमती आसमानों को छू रही है, तो फिर इसका जिम्मेदार क्या भाजपा नहीं है? अरे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिए तो टाइम देना था या माफ कर देना था कि चलो चुनाव आ रहे, हम प्रॉपर्टी टैक्स को गरीबों के लिए माफ कर देते, मगर वो भी नहीं करना चाहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात जो मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखना चाह रहा हूं कि अभी साबिर भाई ने मुझे बताया कि दलितों पर जुल्म गुजरात में बहुत हो रहा है, मगर दलित भाइयों पर भावनगर जिले में सरपंच को वलाबीर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ। दो लोगों ने मिलकर मलदुराई के सरपंच को मारा और पीटा, और उन्होंने क्यों उस पर हमला किया? क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर एक हॉल बना रहा था। केस तो रजिस्टर हो गया 24 तारीख को, 24 जुलाई को केस रजिस्टर हुआ, मगर अब तक किसकी किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अगर उस जगह पर अगर मुसलमान होते या दलित किसी पर हमला कर देते तो अब तक वो गिरफ्तार करके जेल में पहुंच जाते, मगर ये फुर्ती, ये तेजी, ये हरकत, जब दलित और मुसलमान पर हमला होता है तो हजरत पुलिस खामोश बैठ जाती है। ये क्यों खामोश बैठती है? क्योंकि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और फिर आप ये भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि अहमदाबाद जिले बरवाड़ा में डुप्लीकेट शराब पीने की वजह से 13 दलित भाइयों की मौत हो गई। देश के प्रधानमंत्री, काश आप 500 और 1000 की नोट निकालने के बजाय बोलते कि पूरे देश से शराब और डुप्लीकेट शराब को मैं बंद कर रहा हूं, मगर देश के प्रधानमंत्री ने कहा 500 गई 1000 गई। मगर पैसा तो सबके पास अभी है, मगर कौन मर रहा है डुप्लीकेट शराब पीकर? बरवाड़ा में 13 दलित लोगों की मौत हो गई। बताओ भाजपा वालों, ये गांधी का देश, ये गांधी की सरजमीन, सरदार पटेल की सरजमीन, ये अजीम लोगों की सरजमीन, यहां पर डुप्लीकेट शराब मिल रही है, बल्कि ऑफिशियली भी मिलता ही मिलती है सुना मैं यहां पर। और मेरी नजर में शराब को मैं शराब नहीं कहता हूं, क्या कहता हूं उसको, कुत्ते का पेशाब। वो हमारे लिए हराम है, मुसलमान नहीं पी सकता, उसको हराम है, गुनाह है, मगर अगर कोई पीता है रोज शाम में कुत्ते का पेशाब तो तुमको मुबारक हो कुत्ते का पेशाब। मगर ये डुप्लीकेट शराब से बरवाड़ा जिले में 13 दलितों की मौत हो गई। क्या कर रहा है भाजपा की हुकूमत गुजरात में, क्या कर रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इस साल भारत की आजादी के 75 साल को मनाए हैं, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि क्या आप जानते हैं आरएसएस के लोग, अभी आरएसएस के लोग तो कभी भारत की आजादी में कुछ नहीं किया उन्होंने, ना लठ पिराए ना चड्डी पहनकर पिराए, कुछ नहीं किया उन्होंने। देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। अब गुजरात की सरजमीन पर मैं पूछना चाह रहा हूं भाजपा के लोगों से, मुडेजी गांव में क्या जानते भाजपा वाले शाह बेग मकरानी कौन थे? अहमदाबाद से 150 किलोमीटर है मुडेजी एक जगह है, शाह बेग मकरानी कौन थे? शाह बेग मकरानी एक हिंदू ठाकुर था, राजा था। जब सन 57 में अंग्रेज अपनी फौज लेकर इस हिंदू राजा की हुकूमत को खत्म करने के लिए पहुंचे तो शाह बेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव के टावर पर खड़े होकर तीर बरसाना शुरू कर दिए। शाह बेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तीर बरसाया, कई अंग्रेजों को खत्म किया, तो आखिर में अंग्रेजों ने क्या किया कि उस तोप लगाकर
तोप से उस टावर पर तोप से शाहबेग मकरानी को शहीद कर दिया। बताओ भाजपा वालों, शाहबेग मकरानी को खराज अकीदत नहीं पेश करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री, आप मन की बात में नहीं कहेंगे कि शाहबेग मकरानी ने भी भारत की जंग आजादी में अपनी जान को कुर्बान किया? शाहबेग मकरानी का जिक्र नहीं होता, अब्बास तैयब जी का जिक्र नहीं होता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सन 57 की जंग आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी मौलाना अहमदुल्लाह ने पेश किया। अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का आर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो, मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया, उनको नहीं भूल सकते, उनको भी याद रखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, वहीं पर आप जानते हैं कि आज से चंद दिन पर बल्कि आज के दिन, आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर पूरी दुनिया में मनाया जाता है कि सुसाइड कंट्रोल का दिन, माने खुदकशी को रोकने का दिन आज मनाया जाता है। 10 सितंबर को पूरी दुनिया में, विश्व में सुसाइड यानी खुदकशी को रोकने का दिन के तौर पर मनाया जाता है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, 2021 में भारत में 1,65,000 लोगों ने खुदकशी कर ली। कितने लोगों ने सुसाइड किया? 1,65,000 लोगों ने। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, अगर भारत विश्व गुरु बन चुका है तो खुदकशी क्यों कर रहा है गरीब? बताओ देश के प्रधानमंत्री और भाजपा वालों, अगर भारत वर्ल्ड का सुपर पावर बन चुका है तो फिर गरीब सुसाइड क्यों कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको जानकर तकलीफ होगी कि इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले डेली वेजर है, मजदूर है, जो सुबह उठकर अपनी औलाद का पेट भरने के लिए मजदूरी करता है, सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले वो है। आपको जानकर हैरत होगी कि 15 और 29 साल के दरमियान में जो महिलाएं जो सुसाइड या खुदकशी करती हैं वो शादीशुदा हैं। क्यों खुदकशी कर रही? क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। और फिर उसके बाद ये भी बात सामने आई कि 2018 से 2020 में 25,000 लोगों ने खुदकशी इसलिए की क्योंकि बेरोजगार थे, बैंकरप्सी का शिकार हो गए। देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उन युवाओं को नौकरी दें? देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो महिला जो अपने घर में पैसे नहीं होने की वजह से खुदकशी कर रही है आप उसको रोकें? क्या देश के प्रधानमंत्री, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो मजदूर जो सुबह उठकर मेहनत करता है मगर सबसे ज्यादा खुदकशी 2021 में किया तो मजदूर ने किया? बताओ देश के प्रधानमंत्री, किस बुनियाद पर आप भाजपा को वोट देने की बात कर रहे हैं जब मजदूर खुदकशी कर रहा है? हमारी बेटियां घर में पैसा नहीं है खुदकशी कर रही है, नौजवान खुदकशी कर रहा है नौकरी नहीं है। बताइए आप, ये हमारे देश का हाल है। मैं यहां पर खड़े होकर उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं जिनके पास पैसे नहीं है, जो मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो भाजपा हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से उन युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है, मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं, मेरी बेटियों से, मेरी माँ और बहनों से, मेरे नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अपनी जान मत लो,
अपनी जान मत लो, तुम अपनी जान लोगे तो तुझसे तुम्हारा नुकसान होगा। तुम जिंदा रहो, तुम अल्लाह से उम्मीद रखो, याद रखो, तुम जिद्दोजहद करो, लड़ो। और अगर तुम किसी नेता से नाराज हो, किसी सरकार से नाराज हो, तो उस नाराजगी को उसके खिलाफ वोट डालकर इस्तेमाल करो, मगर खुदा के लिए अपनी जान को मत गंवाओ, खुदकशी मत करो। खुदकशी मायूसी की निशानी है। तुम लड़ो सिस्टम से, तुम लड़ो अपने हक के लिए, तुम रोड पर निकल कर आओ, तुम मोर्चा निकालो, तुम मुझसे बात करो, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। मगर खबरदार, तुम कभी अपनी जान को नहीं गंवाना, तुम अपनी जान नहीं देना, तुम जिंदा रहना। और अगर तुम समझते हो कि कोई हुकूमत, कोई पार्टी तुम्हारा साथ नहीं दे रही, तो तुम उसके खिलाफ वोट दो, तुम मौत के आगोश में मत जाओ, मगर उस पार्टी और सरकार के खिलाफ देकर उसको एक सियासी डेथ दो, उसको सियासी मौत दे दो उसको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप ये भी जानते हैं कि एक अहम मुद्दा गुजरात का जो आपके सामने आया वो ये है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकार कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम है। बोलते हैं ना कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा अहम मुद्दा है, बोलते हैं ना हर भाजपाई, बोलते हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। आपको मालूम एक गुजरात का बेटा जिसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया, जिसने कश्मीर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी, इसका नाम लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया है। और गोपाल सिंह भदौरिया, उसको शौर्य चक्र दिया गया। कर कैसे मिला उसके परिवार को शौर्य चक्र? चक्र पोस्ट से भिजा दिया गया, पोस्ट से। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री वो शौर्य चक्र को लेकर गोपाल सिंह भदौरिया के मां बाप के चरणों में जाकर नहीं रख सकते थे? जिसने भारत की जमीन को पाकिस्तान के टेररिस्टों से मुकाबला करके अपनी जान को कुर्बान कर दिया, आप पोस्ट से भी जाते हैं? वाह भाजपाइयों, तुम्हारा राष्ट्रवाद तो दोगला है, डुप्लीकेट है। तुम उस घर को नहीं गए, उस शहीद के घर को नहीं गए जिसने आतंकवादियों से मुकाबला कर अपनी जान के अजीम कुर्बानी को पेश किया। तुमने गोपाल सिंह भदौरिया को पोस से तुमने उसके पास भिजा दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील ये भी करना चाहूंगा कि इंसाफ की लड़ाई लड़ना है मंजलिस को और आपको, और मैं अपनी बात को मुकम्मल उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं बिलकीज़ बानो का जिक्र नहीं करूं। बिलकीज़ बानो सिर्फ मुसलमान की बेटी नहीं है, बिलकीज़ बानो सिर्फ एक महिला नहीं है, बिलकीज़ बानो एक इंसाफ का लड़ाई का नाम है। जिस महिला को, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बड़ी तादाद में मैं नौजवानों को देख रहा हूं, शायद नौजवान तुमको याद नहीं होगा बिलकीज़ बानो का वाकया। बिलकीज़ बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, बिलकीज़ बानो के साथ 3 साल की बेटी थी, बिलकीज़ बानो के साथ उसकी मां थी, और दंगाइयों ने बिलकीज़ बानो को रोककर उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया, बल्कि जी नहीं भरा तो बिलकीज़ बानो की मां का भी बलात्कार किया, जब जी नहीं भरा तो बिलकीज़ बानो के साथ जो महिला थी उनका भी बलात्कार किया, और इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो उन्हें बिलकीज़ बानो के सामने उसकी 3 साल की बेटी के सर को एक पत्थर पर मारकर उसका कत्ल कर दिया। इस पर भी दिल नहीं भरा इन जानवरों का तो उन्हें बिलकीज़ बानो की मां और दूसरे महिलाओं का कत्ल कर दिया। बिलकीज़ बानो रात के अंधेरे में छुप छुप कर आदिवासी भाइयों बहनों के पास गई, उन्होंने उसको कपड़ा किया। बिलकीज़ बानो ने उस वक्त की गुजरात की पुलिस के पास जाकर उसके शौहर को, मैं सलाम करता हूं, बिलकीज़ बानो ने कंप्लेन की तो पुलिस ने कंप्लेन नहीं किया। बिलकीज़ बानो ने कंप्लेन दी तो दवाखाने में जब किसी का बलात्कार होता है तो उसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। बिलकीज़ बानो डटी रही
अपनी इज्जत की लड़ाई बिल्किस बानो नहीं लड़ रही थी, बिल्किस बानो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। महाराष्ट्र में मुकदमा चला, ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, तो नरेंद्र मोदी की भाजपा ने, गुजरात की भाजपा की सरकार ने अपनी रिमिशन पॉलिसी के तहत इन जालिमों को जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ इस तरह का बर्ताव किया और जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, कौन थे वो लोग तुम जानते नौजवानों? वो बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, जिसको बिल्किस बानो चाचा कहकर पुकारती थी। जिस दिन बिल्किस बानो का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, बिल्किस बानो उसकी दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां पहनी हुई थी और जिसने बिल्किस बानो को अपनी बेटी समझकर चूड़ियां बेची थी, उसी जालिम कुत्ते ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी और इन कुत्तों को भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया। बताओ भाजपा की सरकार, आप ऐसे कुत्तों को छोड़ते हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं, कहां गई आपकी इंसानियत? कहां गई आपकी इंसानियत? बिल्किस बानो मुसलमान का इशू नहीं है, बिल्किस बानो महिलाओं का इशू नहीं है, बिल्किस बानो इंसाफ का मुद्दा है। और इंसाफ पुकार पुकार कर भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी प्रधानमंत्री? बताओ हमको आप, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? भाजपा वालों, क्या बिल्किस बानो से जो बर्ताव किया गया, बताओ क्या जुल्म हुआ बिल्किस बानो पर? आज बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है, बिल्किस बानो अपने गांव को जाने से डरती है। और क्या कांग्रेस ने बिल्किस बानो का नाम लिया? तुमने सुना कांग्रेस के नेताओं की जबान से बिल्किस बानो का नाम? किसी और को झाड़ू वाले ने नाम लिया, बिल्किस बानो का नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इनको मालूम, ये लोग कुछ भी हो जाओ गुलाम है हमको वोट डालेंगे। मैं तुमसे अपील कर रहा हूं कि तुम सिवाय अल्लाह के किसी के गुलाम नहीं हो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बिल्किस बानो से ऐसा किया गया। और बताइए, भाजपा की नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में उसकी इजाजत दे दी कि हाँ इनको छोड़ दो। और क्यों छोड़ा गया इन जालिमों को? इन जालिमों को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि छोड़ने वाले ने कहा कि ब्राह्मण थे, संस्कारी थे, किसी एक महिला की बलात्कार करना संस्कारी काम है, एक महिला की 3 साल की बच्ची को उसके सामने कत्ल करना संस्कारी काम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही नाइंसाफियों के खिलाफ हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस का साथ दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। इंशाअल्लाह ताला हम और आप मिलकर ये तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि तुम जानते नौजवानों, अस्मा बिनत अबू बकर कौन थी? अस्मा बिनत अबू बकर कौन थी? अस्मा बिनत अबू बकर हजरत सिद्दीक अकबर की साहबजादी थी। जब गारे सूर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ थे, तो हजरत अस्मा बिनत अबू बकर घर से खाना पकाकर उतनी ऊंची पहाड़ी पर रोज जाकर खाना देती थी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, उनको लकब दिया कि ये जातो ना तो खान है। वो अस्मा बिनत अबू बकर जब अबू जहल को मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा चुके हैं, तो अस्मा बिनत अबू बकर के घर को आकर उसने पूछा, बताओ अस्मा, कहां है तुम्हारा बाप और कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हजरत अस्मा ने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूंगी तो शरीयत बीच में आ जाती है, अगर मैं सच बोलूंगी तो वफा खत्म हो जाएगी। तो हजरत अस्मा बिनत अबू बकर ने कहा कि सुन अबू जहल, सुनो वक्त के अबू जहल, सुनो। हजरत अस्मा ने कहा कि मैं जानती हूं और तुझे नहीं बताऊंगी। तो अबू जहल ने मक्के के बीच चौराहे पर हजरत अस्मा बिनत अबू बकर को मुंह पर तमाचा रसीद किया
हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर के कान में बाली थी, कान कट गया, खून निकलना शुरू हुआ, मगर वो फिर उस दिन अपने कान को कपड़ा लगाकर जब गारे सूर में अपने वालिद और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खाना दिया तो सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी ये कपड़ा हटाओ, तुमने कपड़ा अपने मुंह पर क्यों लगा लिया? तो हजरत अस्मा ने कुछ नहीं कहा। जब वालिद ने सार किया तो उन्हें कहा कि अब्बा जान, अबू जहल घर को आया था और पूछा कि बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? तो उसने मक्के के भरे चौराहे पर मुझे तमाचा रसीद किया और मेरा कान कट गया। तो आप अंदाजा लगाइए सिद्दीक अकबर की आंख में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ की कि या अल्लाह, मैं सिद्दीक अकबर से राजी हूं, इसके खानदान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा सिद्दीक अकबर से। तो मुसलमानों, तारीख का मुताला करो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने हौसलों को बुलंद रखो। यही सिद्दीक अकबर की बेटी हजरत अस्मा बिनत अबू बकर, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, जो इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के परचम को उठाया, तो जब हज्जाज मक्के पर हमला करने आया तो उन्होंने अपनी माँ जो 100 साल की हो गई थी अस्मा बिनत अबू बकर से कहा कि अम्मा जान, अब मैं जा रहा हूं हज्जाज से मुकाबला करने के लिए, मगर लोग कहते हैं हज्जाज बड़ा जालिम है, वो लोगों की चमड़ी उतार देता है। तो उस गयूर माँ ने कहा कि सुनो अब्दुल्ला, जब बकरी को काटा जाता है या बकरे को काटा जाता है तो काटते वक्त तकलीफ होती, उसके बाद कुछ नहीं होता। फिर माँ ने अपने बेटे से पूछा क्या तुम हक पर हो? तो बेटे ने कहा हाँ माँ, मैं हक पर हूँ। तो माँ ने कहा जा मेरे बेटे, अपनी जान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कुर्बान कर दो। और जब वो शहीद हो गए तो हज्जाज ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की लाश को मक्के में लगा दिया। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर जब लाश के पास से गए तो कहा कि 14 दिन से लाश लटकी हुई है मगर इससे खुशबू आ रही है। तो किसी ने पुकार कर कहा कि जब अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर पैदा हुए थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक से खजूर को चबाकर पहली गिजा अगर अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के जिस्म में डाली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाह दहन से चबा हुआ खजूर डाला। तो लोगों ने कहा कि जिसके जिस्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाह दहन चला गया उसके जिस्म से कभी बदबू नहीं आ सकती। तो मुसलमानों, हौसलों को बुलंद रखो। ये दुनिया खत्म होने वाली है मगर याद रखो, दुनिया याद रखेगी अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को, दुनिया याद रखेगी सुबह कयामत तक इमाम हुसैन को, दुनिया याद रखेगी हजरत ज़ैनब को, वक्त के यजीदों को, वक्त के अबू जहलों को, दुनिया सफ़े हस्ती से मिटा देगी। तुम पूरा उम्मीद हो कि इंशाअल्लाह ताला हक कामयाब होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के लिए काम करिए, हमारी कोशिश में हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आऊंगा गोमतीपुर को और आपके गली कूचों में आऊंगा, आपके घर में आऊंगा, क्योंकि याद रखो गोमतीपुर की जनता, वो घर मेरा भी है, उस घर पर मेरा भी हक है, वो मेरे भाई का घर है, वो मेरी माँ का घर है, वो मेरे बेटे का घर है, और मेरा हक बनता कि मैं तुम्हारे घर में आऊंगा और बैठ